गुवाहाटी में हो रहे भारत और श्रीलंका के बीच पहले ओडीआई मैच में भारत के बल्लेबाजों की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिला। पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी की। इन दोनों के इंडिविजुअल स्कोर्स की तरफ देखेंगे तो रोहित शर्मा ने 83 रन बनाए और शुभमन गिल ने 70 रन की पारी खेली। 143 रन पर जब शुभमन गिल का विकेट गिरा था तब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए थे विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत रन अप बॉल के हिसाब से की। शुरुआत में विराट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन खराब गेंदों को बख्श भी नहीं रहे थे। 8 गेंदों में विराट कोहली 11 रन बना चुके थे। 22वें ओवर में शनका गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली उनके सामने थे। इस गेंद पर विराट कोहली ने वही क्लासिकल शॉट खेला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए बॉल को बाउंड्री के पार भेज दिया और इसके साथ ही विराट कोहली की पारी का ये पहला चौका था। 23वें ओवर में जब हसरंगा गेंदबाजी के लिए आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और चौका जड़ दिया और यहां से विराट कोहली ने अपने तेवर दिखाना शुरू किया। ओवर खत्म होते होते तक विराट कोहली 12 गेंदों में 18 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। लगभग हर ओवर में विराट कोहली एक चौका जड़ रहे थे। 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मधुशनका की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और चौका लगाया और इसके साथ ही भारत का स्कोर 24 ओवरों में 180 रन पहुंच गया। वहीं विराट कोहली 16 गेंदों में 24 रन पर पहुंच गए। इसके बाद विराट कोहली ने अपने शॉट्स पर थोड़ा सा काबू रखा और रन बॉल के हिसाब से बल्लेबाजी करना शुरू की। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा के आउट होने के बाद आए श्रेयस अय्यर ने अपने हाथ खोलना शुरू किया। देखते ही देखते विराट कोहली ने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली के बल्ले से ओडीआई में ये 65वां अर्धशतक था। हालांकि इसके ठीक बाद विराट कोहली को कुछ जीवन दान भी मिले लेकिन कोहली ने इनका बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी रनों की गति को बरकरार रखा। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते जा रहे थे और फील्डर्स गेंद उठाने के लिए बाउंड्री के बाहर जाते रहे। विराट कोहली एक तरफ से और दूसरी तरफ से केएल राहुल अपने हाथ खोलते रहे और देखते ही देखते भारत का स्कोर 41 ओवरों में 300 के पार पहुंच गया। कोहली लगातार बाउंड्री स्कोरिंग शॉट्स खेल रहे थे। 78 गेंदों में 95 रन तक विराट कोहली पहुंच गए और इसके साथ ही विराट का स्कोर और भारत का स्कोर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। 47वां ओवर फेंकने के लिए रजत आए। ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने एक चौका जड़ दिया। इसके बाद विराट कोहली 99 रन पर पहुंच गए और 45वें शतक के लिए उनको सिर्फ एक रन की दरकार थी। अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने मिड ऑफ की तरफ एक ड्राइव खेला और इसके साथ ही अपना 45वां शतक पूरा कर लिया। एक तरफ विराट कोहली क्रीज संभाल कर खड़े थे वहीं दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। डेथ ओवर्स शुरू हुए और विराट कोहली के ऊपर कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने का प्रेशर एक बार फिर से आया और अपनी रनों की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए 87वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए और 113 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।